लोकसभा चुनाव की कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में विजय का मेगा प्लान बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी अब पूरी ताकत से जुट गई है। 18 और 19 को मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग और उसके बाद पुणे में 21 जुलाई को बीजेपी ने संगठन में कमजोर कलपुर्जे मजबूत करने शुरू कर दिए है। दिलचस्प बात यह है कि पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 7 से 8 लोग ही शामिल हो रहे थे, लेकिन इन बैठकों में करीब 30 लोगों को बुलाया जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के घर भी बीजेपी की नेताओं की मीटिंग हुई। जाहिर है केंद्र और राज्य ने महाराष्ट्र में अब अपना एजेंडा तय किया है। उसी के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी संवाद यात्रा निकलने वाली है। बीजेपी की संवाद यात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी और लोगों को संबोधित करेगी। फिर भी सवाल ये है कि बीजेपी को इन मीटिंग और संवाद यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 पार का नारा फेल हो गया और बीजेपी मुंह के बल गिर गई। बहुमत तो मिला, लेकिन जितना यश वो चाहते थे वो नहीं मिला। महाराष्ट्र में राजनीति पूरी तरह से बिखरी हुई है। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट, यह दो शिवसेना, तो शरद पवार और अजित पवार, यह दो राष्ट्रवादी पार्टी। जनता जाए तो कहां जाए और विश्वास करे तो किस पर। इसका असर लोकसभा चुनाव नतीजों में सभी दलों पर दिखा। इसी वजह से अब बीजेपी पूरे जोर से काम में लगी है। महाराष्ट्र बीजेपी अपने सोशल मीडिया और आईटी सेल में फेरबदल कर सकती है। ये चर्चा बहुत तेज है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।